होगा, धरना होगा, धरना होगा। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपको। बता दें कि आज ज्योति पासवान को न्याय दिलाने पहुंची ज्योति पासवान, एक बड़ा इत्तेफाक की बात है। खासकर जो पासवान समाज है उसके लिए बड़ा एक खुशखबरी की जो बात आती है। दो महीने पहले की बात अगर करें हम, तो ज्योति पासवान अपने पिता को 1200 किलोमीटर जो सफ़र है वो तय कर यहाँ दरभंगा पहुँचती है। बहुत ही एक खुशी का माहौल था जब देश विदेश में उसका नाम हुआ था। और एक ज्योति पासवान जो हायाघाट प्रखंड में है, उनकी जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। खासकर ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था कि करंट लगने से मृत्यु हुई, उसके बाद लगातार जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर इस पे आपको आज बता दें कि ज्योति पासवान साइकिल गर्ल आज दरभंगा SSP कार्यालय पहुंची, उन्होंने आज विरोध जताया है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। खासकर आपको बता दें कि दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पतोर गाँव निवासी 12 वर्षीय ज्योति कुमारी पासवान के हत्या मामले में न्याय दिलाने तथा दोषी को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग को लेकर तथा इस हत्या की घटना की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर द ग्रेट भीम आर्मी एवं समस्त बहुजन संगठन की ओर से ज्योति पासवान को न्याय दिलाने के लिए आक्रोश पूर्ण न्याय मार्च निकाला गया शुक्रवार को। और यह अन्याय मार्च आपको बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के कार्यालय प्रांगण में पहुंचा। आपको बता दें कि इस अवसर पर बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अन्याय मार्च वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय तो ही नहीं, वहां नारेबाजी भी की गई है। खासकर आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं इस आक्रोशपूर्ण न्याय मार्च में साइकिल गर्ल के नाम से जाने वाली दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के निवासी मोहन पासवान की पुत्री ज्योति पासवान ने क्या कहा है वो आगे हम आपको दिखाते हैं। SSP बाबूराम ने क्या कहा है वो हम दिखाते हैं। कुछ लोगों है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? कैसे नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। आप तो एक बहादुर लड़की हैं, आप तो अपने पिता को बैठा के 1200 किलोमीटर चला के आई थी और पूरे विश्व में आपका नाम हुआ था। इवांका ट्रंप ने भी आप पे ट्वीट किया था। तो ज्योति, क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं देख के आपका मन विचलित हो जाता है? हाँ, हो जाता है कि किसी का तो बेटी होगा, मेरी भी तो बहन ही लगेगी, तो क्यों नहीं होगा, होगा ऐसे। क्या मांग करती हैं आप? वही फांसी का फंदा देना चाहिए जो मारा है उसको। तुमसे ये मांग कर अच्छा, जो तो ये बताइए, कितना दुख है इस घटना को लेकर? काफी दुख है सर, जो बच्चे को ऐसे किया गया है, बहुत शर्मनाक बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से हमारी बच्चिया को भी बारे में लिख दिए थे, हमारे बाहर के लोग भी फ़ोन कर करके थक गए हैं। मेरे परिवार में कुछ परिवार लोग, रिश्तेदार लोग रोना धोना चालू कर दिए थे जो हमारी ज्योति के मर्डर कर दिया। फिर बाद में उनको पता चला या जैसे ऐसी बात हुआ, बहुत शर्मनाक बात हुई है इस चीज़। इन लोगों को तो प्रशासन और समाज से हम लोग से है जो इनको सबसे सजा दी जाए। क्या लगता है आपको कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं इसके लिए आप लोग कितना अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं और कितना आप समाज को मैसेज देना चाहते हैं? तो सर, हरेक धर्म हरेक जाति के लोगों से यही कहते हैं जो इस बेटी को जो चीज़ जो हो रहा है इस चीज़ को रोका जाए। ये सब चीज़ बच्चों को बलात्कार करके हत्या कर देना, हरेक जातियों के लिए यह सब चीज़ धर्मनाक चीज़ है। देखिए, जब आपको पता चला कि आपकी बेटी की हत्या कर दी गई, अफवाह फैल गई थी इस बात की कि ज्योति की हत्या कर दी गई है, उसके बाद क्या बीती आपसे? सर, हमारे घर में सब परेशान थे, हमारे दिन से ही परिवार को और सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि जांच एकदम निष्पक्ष होगी और त्वरित कार्रवाई होगी। इस केस में 3 अभियुक्त थे जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये अंकित किया गया है कि बिजली का करंट लगने से और सांस रुकने से मृत्यु होना बताया गया है। तो जो हम लोगों ने इंक्वेस्ट किया था घटनास्थल पे, उसमें भी जो बच्ची थी उसकी गर्दन के लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा जले का निशान था, जो प्राइमरी फेसी देखने से ऐसा लगता था कि लगता है बिजली के तार से हुआ है जख्म। और उसी चीज़ को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण बताया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, पुनः मेडिकल बोर्ड कराया जाए। तो हम लोगों ने इनको आश्वासन दिया है कि ये एक पिटीशन हम लोगों को दे दें और इसको हम लोग प्रॉपर अथॉरिटी को हम लोग पुनः मेडिकल बोर्ड कराने के लिए भेज देंगे।
और बाकी भी जो कांड में अनुसंधान है वो भी त्वरित गति से किया जा रहा है। उनके स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए हम लोगों ने कहा है कि जो भी गवाह हैं उनके स्टेटमेंट दर्ज कराएं जल्दी से, ताकि हम लोग अनुसंधान की कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, तो क्या कार्रवाई? उसके लिए टीम लगी हुई है, कई जगहों पर हम लोगों को सूचना मिली थी, वहाँ छापेमारी हुई है, हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। लोगों का कहना था सर कि वहाँ लाइन था ही नहीं उस एरिया में उस दिन। इसके लिए डीएसपी को निर्देशित किया है कि वो बिजली विभाग से लिखित में ये रिपोर्ट प्राप्त करें कि वहाँ पर उस दिन जो बिजली गाँव में दी गई है वो उसका समय क्या था और जो घटना का समय है उस टाइम पर बिजली गाँव में थी या नहीं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है और सबूत को जो मिटाया गया है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो और हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। अभी जो आप आंदोलन कर रहे हैं किनके समक्ष कर रहे हैं और किनसे ये मांग कर रहे हैं? जो भी समाज सेवी है, सभी लोग जो ऐसे दरिंदों को नहीं देखना चाहते हैं, रेप कल्चर बंद होना चाहिए। ये क्या तरीका है रेप करके इसके बाद मार देना, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होना चाहिए इनको। अब इनके जो भी गार्जियन है इनसे आप मिले ही है ना, सारे लोगों का एक ही आरोप है। शुरुआत में तो ये बात सामने ही नहीं आया, बाद में ये सब बात सामने आता है तो कहीं ना कहीं अपने मन से गढ़ करके ये पेश करते हैं लोग। तो कुछ हो ही नहीं रहा तभी हम लोगों को रोड पे आना पड़ा। आगे का हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे कैसे क्या करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीलम परवीन। कहाँ से हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष महिला। बच्चा आम का चीज होता है, वो पढ़ने के लिए गई थी, रास्ते में वो आम उम गिरा होगा, उसके घर से गुजरती है वो रोज, आम गिरा होगा, वो आम उठाने के लिए उठा ली होगी, ये अर्जुन मिश्रा पकड़ के उसको घर में लेके गया, घर में ले जाकर उस लड़की के साथ बलात्कार किया, बलात्कार करके उसको गला को तार से मछले ना तार से पूरा दबा दिया, दबा के वो पिछले वाले जो बाड़ी होता है उसके सब्जी वाला, वो सब्जी वाला बाड़ी पर रख दिया, वो पीछे घर के पीछे ज्योति को और लत्ती से झांप दिया, खीरा के लत्ती से। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग इतने कर रहे हैं जो अर्जुन मिश्रा को सिर्फ फांसी के सिवा कुछ नहीं दीजिए, जैसे हमारी बच्ची चल गई है वैसे वो दरिंदा चल जाओ। किनसे मांग करने आए हैं? किनसे मांग कर आए थे? हम प्रशासन से, हम जिला प्रशासन से हम मांग निकली है। ज्योति की कौन है आप? ज्योति के चाची हम हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। पंचायत के रहने वाले हैं। ज्योति कुमारी जो 6 बजे उठती है, कोचिंग जाती थी और जो रास्ते में उसका घर पड़ता है अर्जुन मिश्रा का, तो आम उम गिरा होगा, बच्ची है, आम बिछने के लिए चली गई होगी, तो उसको बहला फुसला के उसको पकड़ के घर में लेके गया और जो उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया गया है और उसके बाद जो है उसको मार के करंट का वायर जो है लगा दिया है तार से और उसके बाद हाथ तोड़ के गर्दन तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, उसके बाद वो फिरार हो गया। हम लोग खोजने के चक्कर में लग गए कैसे कहाँ है बच्ची, अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद जो हम लोग पूरा इकट्ठा हुए उसके दूरा पर जो जा रहे थे तो भाला लेके मारने के लिए हम लोग को उठा, ज्योति को मम्मी को ज्योति को पप्पा को और हमारे गाँव का जो है एक नवयुवक था उसके ऊपर भी हमला करने के लिए, बाद में पूरा हल्ला हो गया तो फिरार हो गया वहाँ से, तब पब्लिक जो है जमा हो गया। उसके बाद 2 घंटा तक थाना परवाही कुछ एक्शन नहीं लिया, हम लोग जो है बहुत ये किया फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया और हम चाहते हैं कि जो ऐसा कांड किया है उसको फांसी की सजा हो, वो बच्ची को इंसाफ मिले। आज किनके यहाँ आए आप? हम ही आए हैं, लहरिया सराय आए हैं, एसपी के ऑफिस में आए हैं। कितने दिन से यहाँ पे आप लोग? हम लोग जो है आज आए हैं, 1-2 घंटा हो गया है यहाँ पे आके, हम चाहते हैं कि द्रोही को उठी फांसी का सजा हो। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान। कहाँ के निवासी? पतोर पंचायत दरभंगा जिला। और यह संविधान हमारे पुरखा पूर्वज का लिखा हुआ है, अगर यह संविधान नहीं होता तो आज एसपी साहब के सामने निडर होके बोल नहीं पाते। ये संविधान हमको ताकत देती है। क्या मामला है? मामला हमारे समाज की लड़की ज्योति कुमारी पासवान के, जो कि आम तोड़ी थी वो लड़की, और उसके विरुद्ध में बीचने गई थी। हाँ, अर्जुन मिश्रा जो है
उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको पीटते हैं, उसके साथ यौन शोषण करते हैं और लहास के शायद कहीं टंकी में छुपा देते हैं, जंगल से झांप के। और जी अब ये मामला थाना में वहाँ के लोगों ने FIR किया, उल्टे निर्दोष लोगों पर FIR किया जाता है और अर्जुन मिश्रा पर आज तक कोई कार्रवाई अभी तक वहाँ के प्रभारी नहीं किए हैं। इसी के विरुद्ध में द ग्रेट भीम आर्मी और बहुत सारे अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठनों के द्वारा आज हम लोग SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जुर्म अत्याचार भारतीय संविधान के रहते हुए हम लोग बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बुक में लिखा है कि 100 दिन बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है कि 1 दिन शेर के तरह जी कर देखो। यही पुलिस अधीक्षक महोदय जी से न्याय मांगने के लिए आए हैं और अगर जो रेपिस्ट है उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देती है तो हम लोग जो है सो अगर नहीं सज़ा होती है तो हम लोग उनके विरुद्ध में फिर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से UP में विकास दुबे जी का घर को जो क्रिमिनल था उनको उनके घर को JCB से ढा दिया गया पुलिस के द्वारा, हम लोग पुलिस का इंतज़ार नहीं करेंगे, खुद JCB लेके जाएंगे। और हमारे कौन मिश्रा है वो अर्जुन मिश्रा खुद घर के हम लोग जा करके भीम आर्मी के लोगों को ध्वस्त कर रहे हैं, बस यही हमारा मांग। क्या नाम हुआ? संजय पासवान, द ग्रेट भीम आर्मी, सहरसा। परिवार का भी